अगर आपने एक महीने पहले 10 लाख के लूना टोकन्स खरीदे होते, अभी उसकी वैल्यू पूरे 1 रुपए होती। ऐसा कैसे हो गया? तो बेसिकली टेराफॉर्म लैब्स क्रिप्टो को एक करेंसी बनाना चाहती थी जिसमें आप रेगुलर ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो यूज करें। बट जैसा कि आपको पता है कि यार बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उन्होंने एक स्टेबल कॉइन यूएसटी निकाला जिसमें 1 यूएसटी हमेशा $1 के इक्वल होगा। अब इस यूएसटी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने एक और क्रिप्टो करेंसी टेरा निकाला जिसका सिंबल लूना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि यार हमेशा आप $1 के बदले आपको $1 वर्थ ऑफ लूना टोकन्स मिल जाएगा। अब आइडियल कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएसटी यूज़ करेंगे तो यूएसटी का डिमांड बढ़ेगा, तो यूएसटी को स्टेबल करने के लिए लोग लूना को बर्न करेंगे, तो इससे लूना का भी प्राइस बढ़ जाएगा। बट अब जब क्रिप्टो मार्केट गिरने लगा तो लोगों का पूरा यूएसटी और लूना दोनों पे ही भरोसा हट गया, और इसकी वजह से उन्होंने यूएसटी और लूना दोनों ही बेचना शुरू किया, और इससे यूएसटी जो कि $1 के इक्विवेलेंट था वो गिर के $0.3 तक पहुंच गया, और इससे लूना $120 से सीधा 1 पैसा तक गिर गया।